मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और बिहार में कोरोना वायरस के बचाव के लिए प्रारंभ से ही जब ये बात सामने आई है सरकार के द्वारा कदम उठाए गए और ये दुनिया भर में फैला हुआ है, ये आप सबको मालूम है और ये फैलता जा रहा है। मैं आपको सिर्फ यही बता दूं कि 16 तारीख को, 16 मार्च को हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारे बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का सत्र चल रहा था और 13 तारीख को ही हम लोगों ने पूरी चर्चा की थी यहाँ और उसी समय ये निर्णय हुआ कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए और उसी समय ये बात आई कि भाई बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद का सत्र चलना, लोगों को बैठकों में शामिल होना, फिर इस तरह से जो हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों को अलग अलग जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसमें रहने की कोशिश करनी चाहिए, ये दुनिया भर में इसका जो प्रयोग चल रहा है तो उसके ये विरुद्ध होगा, इसलिए सभी दलों के लोगों के साथ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने, विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति ने बातचीत की और 16 तारीख को ही निर्णय हुआ कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की कार्यवाही आज ही तक चलेगी और समाप्त होगी। और उस दिन जब पूरी कार्यवाही पूरी हो गई, बजट से संबंधित जो काम था, जरूरी था, वो तो 31 मार्च के पहले ही होना है, वो सब हो गया, उसके बाद थोड़ी बातचीत हुई, तो उस दिन जो स्थिति थी 16 मार्च को यानी 10 बजे पूर्वान तक पूरे विश्व में 169,387 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और उसमें से 6,513 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी दुनिया भर में। और आज क्या स्थिति है, अभी का जो अपडेट है फिगर, यानी कितना बढ़ा है, आप सोच लीजिए 16 मार्च की ये तस्वीर और आज 1 अप्रैल है, 15 दिन के अंदर क्या स्थिति हुई है 15 दिन के बाद। अभी विश्व के 178 देशों में, उस समय 148 देश में था, अब 178 देश में 8,59,032 लोग संक्रमित हो चुके, यानी उस समय जो था 169,387 लोग, उसकी तुलना में अब दुनिया में संक्रमित हो गए हैं लोग 8,59,032 लोग। और उस समय 16 मार्च तक जो मृत्यु हुई थी, जिसकी संख्या हमने आपको बताई 6,513, अब मृत्यु हो गई है पूरे दुनिया में 42,322 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, यानी स्थिति कितनी बदली है। तो हम सब लोगों को सचेत रहना है और भारत में अब तक, पूरे देश में अब तक 1,397 लोग प्रभावित हुए हैं और 35 लोगों की अब तक इसमें मृत्यु हुई है और बिहार में आज तक का जो अपडेट है 23 मामले जो है प्रतिवेदित हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो अब इसके बारे में चारों तरफ प्रयास किया जा रहा है, सब लोग सतर्क हैं और यहाँ पर जो बात हुई कि कुछ सीमित एरिया में, नगर निकायों में या जो जिला का मुख्यालय है, अनुमंडल का मुख्यालय है, प्रखंड का मुख्यालय है, सब में हम लोगों ने 22 मार्च को निर्णय लिया था और वहाँ लॉकडाउन किया था और फिर आप सबको मालूम है कि 24 तारीख को ऐलान हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन का और 3 सप्ताह का यानी 14 अप्रैल तक इस काम को चलना है। अब जो पूरे जगह पर ये सारा काम किया जा रहा है, लोगों को एक जगह सुरक्षित रखना, लोगों को बीच में बताना कि क्या क्या स्थिति है, इसको जानना, तो जब उसी सिलसिले में 25 तारीख को और 26 तारीख को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, आप लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी थी, हम तो निरंतर संपर्क में हैं और सारी बात की जानकारी ले रहे हैं और जो भी संभव है उसके लिए हम लोग निर्णय ले रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी निर्णय लिए जा रहे हैं और सब उन चीज़ों का अनुपालन किया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो उस दिन जो पता चला था तो मुझे लगा था